नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। सत्ताईस सितंबर को मंगलवार का दिन शुरू हुए 3 घंटे हो चुके थे और बाकी दिल्ली की तरह शाहीन बाग भी गहरी नींद सो रहा था। शाहीन बाग, नई दिल्ली का वो कुख्यात इलाका जिसे अभी 2 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। शाहीन बाग के निवासी बाकी दिल्ली के मुकाबले कुछ ज्यादा ही गहरी नींद सोया करते हैं और इसका कारण आपको यहाँ रहने वाला एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। वो आपको बताएगा कि उसकी मर्जी के बिना उसके शाहीन बाग में भारत की फौज भी प्रवेश नहीं कर सकती, फिर इन चोरों और पुलिस वालों की तो औकात ही क्या है। अपने इसी घमंड में चूर शाहीन बाग नींद के नशे में डूबा हुआ था कि सुबह के ठीक 3 बजे यहाँ स्थित एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चैन की नींद सो रहा इस घर का मालिक अपनी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठता है, पहले फोन में टाइम देखता है और फिर अपनी सलवार का नाड़ा ठीक करता है और फिर जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, खाकी वर्दी पहने 4 अत्यंत हट्टे कट्टे नौजवान इसे धर दबोचते हैं। इससे पहले कि इसके घर वाले को समझ पाते, दिल्ली पुलिस के पहलवान इस आदमी को बाहर खड़ी एक वैन में डाल यहाँ से गायब हो जाते हैं। अपने पति को ऐसे किडनैप होते देख इस आदमी की पत्नी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। जल्दी 10-15 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और अपने पड़ोसी को बचाने के लिए बाहर जाने वाली गली की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन अपने इस मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाते। दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडो शाहीन बाग के इस मोहल्ले को चारों तरफ से घेर चुके थे। कमांडोज जिन्हें केवल एक ही ऑर्डर दिया गया था कि ना ही कोई इस मोहल्ले से बाहर जाना चाहिए और ना ही कोई अंदर। शाहीन बाग में रहने वाले लोगों को आज पता चलने वाला था कि उनके इस इलाके के बारे में कही जाने वाली वो कहावत आखिर कितनी ज्यादा गलत है। आज की सुबह शाहीन बाग के एक नहीं बल्कि कई मोहल्लों को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया था और इन मोहल्लों में रहने वाले 12 लोगों को आज एक साथ एक समय पर उठा लिया गया था। शाहीन बाग में रहने वाले 12 लोग जिनकी पहचान तो अलग अलग थी, लेकिन इनका अपराध बिल्कुल एक था। ये सभी के सभी PFI के लिए काम कर रहे थे। ये सभी की सभी गिरफ्तारियां NIA और ED के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत की जा रही थी। देश के 15 राज्यों में एक साथ एक समय पर लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन जो इतना ज्यादा सीक्रेट था कि 12 घंटे पहले तक लोकल पुलिस को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। एक ऑपरेशन जिसे RNDAW और IB की सहायता से खुद गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोवल ने प्लान किया था। ऑपरेशन जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत में फैले PFI के नेटवर्क का संपूर्ण विनाश करना। हिंदू मुक्त भारत का सपना देखने वाले PFI का संहार करने के लिए रचे गए इस चक्रव्यूह को नाम दिया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस PFI के इतिहास पर एक नजर डालते ही सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में आएगा वो ये कि आज तक इसके ऊपर आखिर बैन क्यों नहीं लगाया गया। चाहे वो केरल के मराठ बीच पर हुआ हिंदू नरसंहार हो या फिर शिमोगा का चाकू कांड, PFI के लिए केंद्र और राज्य में बैठी हमारी सरकारें हमेशा नेत्रहीन ही क्यों बनी रही। PFI के इतिहास और विस्तार को समझने के लिए आप यहाँ क्लिक कर इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको नीचे पिंड कॉमेंट में भी मिल जाएगा।
आईबी और आरएनडीडब्ल्यू जैसी एजेंसी सालों से पीएफआई के ऊपर अत्यंत चिंताजनक इंटेलिजेंस इनपुट्स देती आ रही हैं। केरल हाईकोर्ट ऑन रिकॉर्ड पीएफआई को एक हिंसक और अतिवादी संगठन करार दे चुकी है। खुद केरल पुलिस हाईकोर्ट में पीएफआई के ऊपर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े जमा करा चुकी है, तो फिर पीएफआई के ऊपर आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? वो इसलिए क्योंकि पीएफआई के ऊपर बैन लगाने का मतलब था माइनॉरिटी वोट बैंक को नाराज करना, और ऐसा करने की हिम्मत तो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में कभी थी ही नहीं। आधिकारिक रूप से तो पीएफआई का जन्म 2007 में हुआ, लेकिन उससे पहले ये संगठन एनडीएफ और आईएसएस के रूप में देश भर में वर्दीधारी परेड्स निकालता रहा, दिन दहाड़े हिंदू नेताओं को अत्यंत क्रूर तरीके से मारता रहा, दंगे करवाता रहा, हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाता रहा, और विदेशी फंडिंग से हथियार और गोला बारूद के अंबार लगाता चला गया। ये सब होता रहा, लेकिन आज तक कोई पीएफआई के ऊपर बैन लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? आज पीएफआई ने ऐसा क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपने हाथों से बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ गई? एनएसए अजीत डोवल, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएफआई के ऊपर बैन लगाना तो चाहते थे, लेकिन अभी नहीं बल्कि 2023 में। यदि पीएफआई ने अपने ऊपर थोड़ा सा संयम बरता होता, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश ना की होती, तो शायद उसको एक साल का जीवन दान और मिल गया होता। लेकिन विदेशी फंडिंग और सपोर्ट के नशे में चूर ये अतिवादी संगठन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा जिन्हें और अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वैसे तो पीएफआई के इतिहास की किताब नफरत और खून में सने पन्नों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात की जाए तो पीएफआई से जुड़ी कुछ घटनाओं को निर्णायक जरूर कहा जा सकता है। जुलाई 2022 में एक दिन बिहार में स्थित फुलवारी शरीफ थाने के एसएचओ इकरार अहमद को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खाली मांस खाने वालों तुम असली मुसलमान आखिर कब बनोगे, तुम प्रॉफिट की महानता का गुणगान आखिर कब करोगे, पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी आवाज उठा रहे हैं, तुम कब तक एक मुर्दे की तरह ऐसे जिंदा रहोगे, कल को जब अल्लाह ताला तुमसे सवाल पूछेगा तुम उसे क्या जवाब दोगे, क्या मुंह लेकर उसके सामने जाओगे। 10 जुलाई को नमाज जुम्मा के टाइम पर नया तोला की जामा मस्जिद पहुंचो और अपने इश्क रसूल को साबित करो। इसके अगले ही दिन एसएचओ इकरार अहमद के बयान को आधार बनाते हुए अलग अलग धाराओं में एक 0 FIR दर्ज कर ली जाती है। FIR के बाद बिहार पुलिस इस मैटर को भूल जाती है और इस मामले में आगे कोई जांच नहीं की जाती, लेकिन जल्द ही केंद्र सरकार ये घोषणा करती है कि पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई के दिन पटना और देवगढ़ का दौरा करेंगे। इस घोषणा के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट मोड में चली जाती हैं, और अब बिहार पुलिस को भी उस व्हाट्सएप मैसेज की जाँच शुरू करनी ही पड़ती है। ये जांच बिहार पुलिस को फुलवारी शरीफ पहुंचा देती है, जहां 10 जुलाई के दिन अहमद पैलेस के ऊपर रेड्स कर दी जाती हैं, रेड जो पीएफआई के पतन की नींव रखने वाली थी। इन छापों में गिरफ्तार किए गए लोगों में सिमी का मेंबर अथर परवेज और झारखंड पुलिस का एक पूर्व एसआई मोहम्मद जलाउद्दीन भी शामिल था। ये दोनों ही लोग फुलवारी शरीफ में दिन दहाड़े युवाओं को आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। इनके पास से पुलिस को होश उड़ा देने वाले कई डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं, जिनमें भारत को एक हिंदू मुक्त इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान विस्तार में लिखा हुआ था। ऐसे ही 7 पन्नों वाले एक डॉक्यूमेंट का टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। अथर परवेज और मोहम्मद जलाउद्दीन से मिली जानकारी के आधार पर पीएफआई के और भी कई ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया जाता है। इन सबको एक साथ एक कमरे में बिठा सलीके से पूछताछ की जाती है, और तब जाकर ये खुलासा होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनके बिहार दौरे के दौरान पीएफआई द्वारा खत्म करने की योजना बनाई जा रही थी। आईबी से मिले इनपुट के आधार पर 15 जुलाई 2022 के दिन एक मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया जाता है। पीएफआई का एक मेंबर जिसके फोन में गजवाए हिंद नामक व्हाट्सएप ग्रुप और इस ग्रुप से जुड़े अनेकों अंतरराष्ट्रीय लिंक्स मिलते हैं। इस ग्रुप में पोस्टेड मैसेज इतने ज्यादा खतरनाक थे कि पीएफआई की पकड़ वाले राज्यों की एटीएस और सीआईडी को तुरंत हाई अलर्ट मोड में जाने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं।
15 जुलाई के ही दिन बिहार पुलिस पटना के सब्जी बाग में स्थित पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के ऑफिस पर छापा मारती है। पीएफआई की इस राजनीतिक पार्टी के ऑफिस से एक बड़ी मात्रा में राष्ट्र विरोधी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स जिनकी जांच पूरी होने के बाद 20 राज्यों के 90 से ज्यादा शहरों में पीएफआई के नेटवर्क को 24/7 सर्वेलेंस में डाल दिया जाता है। बिहार और यूपी पुलिस की शुरुआती रेड्स के बाद पीएफआई के ऊपर नकेल कसने का जिम्मा अब एनआईए को सौंप दिया जाता है और 28 जुलाई के दिन एनआईए पटना, दरभंगा, चंपारण, नालंदा और मधुबनी में कुल 10 जगह छापे मारती है। दरभंगा की रेड्स में नूरुद्दीन, सनाउल्ला और मुस्तकीम नामक 3 पीएफआई मेंबर्स के घरों से मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स और डॉक्यूमेंट्स के रूप में अत्यंत ज्वलनशील सबूत बरामद किए जाते हैं। पीएफआई के विरुद्ध इकट्ठा किए गए सबूत ही कारण थे कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए को पीएफआई के भविष्य पर एक निर्णायक चर्चा करने के लिए एक साथ बैठना ही पड़ता है। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में आईबी चीफ तपन डेका और आरएनएडब्ल्यू के हेड सामंत गोयल को भी बुलाया गया था। अमित शाह चाहते थे कि पीएफआई के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पहले उसके लीडर्स के ऊपर हर प्रकार की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, दिन भर में किस किस से मिलते हैं, कितनी बार नमाज पढ़ते हैं और कहां कहां पढ़ते हैं, उनके घर और दफ्तरों में किस किस का आना जाना है, उनके परिवार में कितने लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं। आईबी और आरएनएडब्ल्यू को पीएफआई से जुड़ी इस प्रकार की हर जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दे दिया जाता है। आईबी और आरएनएडब्ल्यू को इंटेलिजेंस कलेक्शन का जिम्मा सौंपने के बाद एनएसए अजीत दोवल राजनीति के बिसात पर पीएफआई के विरुद्ध वही धार्मिक चाल चलना शुरू कर देते हैं जिसे वो खुद दशकों से खेलता आ रहा था। पीएफआई के ऊपर कोई भी कार्यवाही करने से पहले एनएसए दोवल उसके पीछे से आम मुसलमान की सपोर्ट कमजोर करना चाहते थे और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो 29 जुलाई के दिन AISSC द्वारा आयोजित इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं। एक कॉन्फ्रेंस जिसमें देश के कुछ सबसे बड़े मुसलमान नेताओं द्वारा एक रेजोल्यूशन पास कर पीएफआई के ऊपर तुरंत बैन लगाने की मांग की जाती है। पिछले 2 साल से हम एक बार बारहा अपने अवसर से जा रहे हैं कि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर इमीडिएटली बैन लगना चाहिए। एक तरफ अजीत दोवल धार्मिक नेताओं के रास्ते पीएफआई के पीछे से आम मुसलमान का समर्थन कमजोर करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ आईबी और आरएनडब्ल्यू एनआईए और ईडी के साथ मिल पीएफआई की कुंडी तैयार कर रहे थे और इसका शुभारंभ केरल और कर्नाटक से किया गया था। भारतीय एजेंसी जानती थी कि इन दोनों ही राज्यों में पीएफआई की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं और यहां पीएफआई के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करना अत्यंत कठिन साबित हो सकता है। इसी के चलते आईबी और आरएनडब्ल्यू पीएफआई में काम कर रहे अपने अंडरकवर एसेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इन एसेट्स को पीएफआई के नेताओं की दिनचर्या और गतिविधियों के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। इसके अलावा पीएफआई के उन मेंबर्स की सूची भी बनाई जाती है जो अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अपने जिले या शहरों में दंगे भड़काने की क्षमता रखते थे। चार अगस्त 2022 के दिन गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो दिल्ली के लिए वापस नहीं निकलते बल्कि एक टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए वहीं रुक जाते हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेन्द्र के साथ होने वाली इस मीटिंग में पीएफआई के अंत की शुरुआत पर चर्चा की जानी थी। इस मीटिंग के 3 दिन बाद पीएफआई के ऊपर बैन कैसे लगाया जाए, इस स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए एक एक्शन टीम का गठन कर दिया जाता है। इस टीम में दिल्ली और कर्नाटक के ऑफिसर्स के अलावा इंटेलिजेंस के लोगों को भी शामिल किया गया था। इनके अलावा इस टीम के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में पोस्टेड ऐसे ऑफिसर्स की एक सूची भी तैयार की गई थी जो पहले भी इस प्रकार के संवेदनशील केसेस में काम कर चुके थे। इस मल्टी एजेंसी स्क्वाड को अब कई मोर्चों पर पीएफआई से युद्ध लड़ना था और वो भी सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे देश में। इन ऑफिसर्स का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठा करना था जिनका इस्तेमाल कर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएफआई रूपी सांप का फन पूरी तरह कुचला जा सके।
अगस्त के आखिरी हफ्ते में अमित शाह और अजीत दोवल इस एक्शन टीम के टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग करते हैं, जिसमें आईबी और आरएनएडब्ल्यू के हेड्स भी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान पीएफआई के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूतों के ऊपर विस्तार में चर्चा की जाती है। आईबी चीफ तपन डेका गृह मंत्री के सामने अपने अंडरकवर एसएस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें संगठन के सभी छोटे बड़े ऑपरेटिव्स के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। इस मीटिंग के बिल्कुल अंत में एनएसए अजीत दोवल की तरफ देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, तो दोवल साहब बताइए, इस ऑपरेशन के लिए कोई नाम वाम सोचा है? हाँ सर, कुछ सोचा तो है। वो पीएफआई की तरह ये ऑपरेशन भी इतने राज्यों में फैला हुआ है, इतनी सारी एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, इसलिए मुझे लगा कि ऑक्टोपस नाम ठीक रहेगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस दो सितंबर का दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियन नेवी के नए लोगों का अनावरण करने के लिए कोची आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने एनएसए अजीत दोवल भी उनके साथ केरला जाते हैं, जो एक बहुत ही आम बात थी। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली वापस नहीं आते और ये कोई आम बात नहीं थी। पीएफआई के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए केरल में रुककर अजीत दोवल वहां के टॉप पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने में लग चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि गलती से भी उनका केरल दौरा एक समाचार बने और ऑपरेशन ऑक्टोपस की भनक मीडिया या पीएफआई को लग जाए। यही कारण था कि इन मीटिंग्स के लिए उन्होंने इंडियन नेवी के उस कार्यक्रम को एक कवर की तरह इस्तेमाल किया था। केरल में पीएफआई के आधिकारिक ठिकानों और लीडर्स के घरों पर एक साथ एक समय पर कैसे रेड्स की जाएंगी और इसके लिए केरल पुलिस ने क्या तैयारी की है, आने वाले कुछ दिनों में इन मुद्दों के ऊपर अजीत दोवल, केरल पुलिस, एनआईए, ईडी और आईबी के बीच अनेकों लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं। आईबी और आरएनडीडब्ल्यू की रिपोर्ट्स के अनुसार केरल और कर्नाटक के बाद पीएफआई का नेटवर्क महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजबूत था। इसीलिए अजीत दोवल केरल से सीधा मुंबई के लिए निकल जाते हैं और मीडिया की नजरों से दूर गवर्नर हाउस में सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ एक के बाद एक कई मुलाकातें करते हैं। बेंगलुरु में हुई अपनी मीटिंग्स के आधार पर अमित शाह प्रधानमंत्री को बताते हैं कि दक्षिण भारत में तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन यूपी, दिल्ली और बिहार में थोड़ा तनाव जरूर है। इसीलिए आने वाले कुछ दिनों के दौरान अमित शाह और अजीत दोवल व्यक्तिगत रूप से यूपी, बिहार और दिल्ली के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग्स करने में लग जाते हैं। लगभग 20 दिनों तक दिल्ली, यूपी और बिहार में ग्राउंड वर्क करने के बाद 21 सितंबर 2022 के दिन मोदी, शाह और दोवल अपनी एक्शन टीम के साथ एक आखिरी बार मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में आईबी चीफ तपन डेका पीएम को विश्वास दिलाते हैं कि ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में पीएफआई को जरा सी भी भनक नहीं है। उसके लीडर्स और ऑपरेटिव्स रोज की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी गतिविधियों में कुछ भी असामान्य नोटिस नहीं किया गया है। एक्शन टीम में शामिल स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से उनके राज्यों की स्थिति जानने के बाद पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी देर तक कुछ सोचते रहते हैं और फिर पानी के कुछ घूंट भरते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप सब कई महीनों से मेहनत कर रहे हो और इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी उतावले भी हो, लेकिन हमें इसी उतावलेपन से खुद को बचाना है। याद रहे कि हमारा एक गलत कदम हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। बस कुछ घंटे बाद हमारा इम्तिहान शुरू होने वाला है और हमारी एक छोटी सी चूक पीएफआई के नेताओं को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर सकती है। जाइए और अपने इस ऑपरेशन को पूरा कीजिए, माँ भारती आपके साथ है। प्रधानमंत्री से ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक्शन टीम के स्टेट लेवल ऑफिसर्स अपने अपने राज्यों के पुलिस के साथ ये जानकारी शेयर कर देते हैं। इस समय तक राज्यों के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ये तो पता था कि जल्दी पीएफआई के ऊपर कुछ कार्यवाही की जानी है, लेकिन ये एक्शन कहां कहां और किस किस के ऊपर होने वाला है इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। आईबी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पुलिस डिपार्टमेंट्स में पीएफआई सेंध लगा चुकी थी, यानी कि इन राज्यों में कई पुलिस वाले ऐसे थे जो पीएफआई के सक्रिय मेंबर्स बन चुके थे। इसका मतलब ये था कि पीएफआई के नेतृत्व को ऑपरेशन ऑक्टोपस की खबर लगने का पूरा पूरा अंदेशा था। राज्यों की पुलिस को बिल्कुल अंतिम क्षण तक अंधेरे में रखने का दूसरा कारण ये भी था कि पीएफआई को लेकर पुलिस वालों में खौफ भी पसरा हुआ था। कई राज्यों के पुलिस ऑफिसर्स पीएफआई से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि यदि उन्होंने पीएफआई के विरुद्ध कोई कार्यवाही की तो उसके हथियारबंद कैडर उनसे और उनके परिवार से बदला लेने का प्रयास अवश्य करेंगे।
इसीलिए इन 15 राज्यों में एक डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक करने के बाद एनआईए और ईडी ने खुद अपने हाथों से एक एक पुलिस वाले को चुना था। अपने अपने राज्यों के कुछ सबसे दबंग ऑफिसर्स को उन टीम्स का हिस्सा बनाया गया था जिन्हें समय आने पर पीएफआई के ऊपर रेड्स करनी थी। इक्कीस सितंबर को शाम के लगभग 6 बजे 15 राज्यों के 93 शहरों में स्थित अलग अलग थानों में इंतजार कर रही रेडर टीम्स को छापों की लोकेशंस और टारगेट डिटेल्स भेज दी जाती हैं। बाईस सितंबर को सुबह के ठीक 3 बजे एनआईए और ईडी के 300 से ज्यादा ऑफिसर्स लोकल पुलिस की सहायता से एक साथ एक समय पर इन टारगेट लोकेशंस के ऊपर रेड्स मारना शुरू कर देते हैं। रेड जो पीएफआई के दफ्तर और नेताओं के घरों पर मारी जा रही थी, जो अपनी आंखों में हिंदू मुक्त भारत का सपना लिए चैन की नींद सो रहे थे। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत मारी गई इन रेड्स में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के कुल 106 मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाता है और कोझिकोड से उठाए गए ऐसे ही एक मेंबर का नाम था शफीक पाइथ। ईडी द्वारा कोर्ट में जमा कराए गए रिमांड नोट के अनुसार 12 जुलाई के दिन पटना में हुई पीएम रैली के ऊपर हमले की योजना को शफीक ही स्पॉन्सर कर रहा था। शफीक द्वारा उपलब्ध कराए गए पैसों से बिहार में स्पेशल कैंप्स चलाए जा रहे थे जहां कुछ चुनिंदा युवाओं को पीएम मोदी के ऊपर अटैक करने की एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऑपरेशन ऑक्टोपस का पहला राउंड सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। अब पीएफआई का लगभग समस्त नेतृत्व सलाखों के पीछे था, लेकिन बाहर मौजूद कुछ छुटभैये नेता अपने राज्यों में बंद का ऐलान कर देते हैं। इस बंद के दौरान कई जगह हिंसा और अगजनी की घटनाएं होती हैं। कुछ सिविलियंस और पुलिस वाले घायल भी होते हैं, लेकिन भाग्यवश किसी की जान नहीं जाती। एनएसए अजीत दोवल जानते थे कि केवल पीएफआई के टॉप टीयर के नेताओं को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। टीयर 2 और टीयर 3 के नेता अगर ज्यादा दिन बाहर रहे तो बदला लेने के लिए जल्द ही अपने अपने जिलों में आतंक का नंगा नाच जरूर करवाएंगे। इसीलिए पहले राउंड्स के ठीक 5 दिन बाद एक बार फिर एनआईए और ईडी की जॉइंट टीम्स पीएफआई के ऊपर रेड्स मारना शुरू कर देती हैं। और इस बार पीएफआई के उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था जो अपने आकाओं को जेल से बाहर निकालने के लिए खूनी प्लान्स बनाना शुरू कर चुके थे। ऑपरेशन ऑक्टोपस के इस राउंड 2 में पीएफआई के कुल 127 एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए 200 से अधिक नेताओं और मेंबर्स के अलावा गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर पीएफआई के 2000 मेंबर्स को अंडर स्कैनर भी डाल दिया जाता है, जिसका मतलब यह है कि अब इन लोगों की दिनचर्या का हर क्षण अथॉरिटीज द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। कोई समारोह आयोजित करने या शहर छोड़ने से पहले इन्हें लोकल थाने से परमिशन लेनी होगी और ये या इनके आने वाली 7 पुश्तों में कोई सरकारी नौकरी तक नहीं कर पाएगा। दूसरा राउंड खत्म होने के 24 घंटे बाद आखिर वो क्षण आ ही जाता है जिसका इंतजार न जाने कब से किया जा रहा था। गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई के ऊपर 5 साल के लिए बैन लगाने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। पीएफआई के साथ 8 और अतिवादी संगठनों के ऊपर भी बैन लगाया जाता है। संगठन जिनके खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत इकट्ठा किए गए थे। अपने ऊपर बैन लगने के केवल कुछ ही घंटे बाद पीएफआई का स्टेट जनरल सेक्रेटरी ए अब्दुल सत्तार एक बयान जारी कर पीएफआई को हमेशा हमेशा के लिए भंग कर देता है। वैसे तो अब हजारों कारण ऐसे गिनवाए जा सकते हैं जिन्होंने पीएफआई के ऊपर बैन लगवाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई होगी, लेकिन अगर अजीत दोवल के करीबी सूत्रों की मानी जाए तो पीएफआई द्वारा सीए, एनआरसी और हिजाब को लेकर जो झूठ से भरे डिसइंफॉर्मेशन अभियान चलाए गए,
दिल्ली समेत कई राज्यों में जो हिंसा फैलाई गई और इन मुद्दों के बहाने हिंदू युवकों की जो दिन दहाड़े निर्मम हत्याएं की गईं, पीएफआई की इन्हीं हरकतों ने उसका नाम मोदी और शाह की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर रख दिया था। लेकिन बात यदि अजीत डोवल की व्यक्तिगत भावनाओं की जाए तो उन्होंने तो उसी दिन पीएफआई को खत्म करने की शपथ उठा ली थी। 15 जुलाई के उस दिन जब उनके हाथों में पीएफआई द्वारा पीएम मोदी को खत्म करने के सबूत थमाए गए थे। एनआईए से वो सबूत मिलने के बाद अजीत डोवल ने अपनी टीम से कुछ ये शब्द कहे थे, ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बनाकर भी खुले घूम रहे हैं और मेरा मानना है कि ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा सोचने से पहले भी हर आदमी की आत्मा कांप जानी चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसे करोगे पर मैं प्रधानमंत्री को एक वचन देने जा रहा हूँ कि आज से 90 दिन के अंदर अंदर इस देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा।